पिला माने आज रे वीडियो को समस्त को स्वागत आशा करछि समस्ते भलो रहिबो। तबे आज हमें पढ़िबा षष्ठ श्रेणी रो एक नुवा कविता प्रभात अवकाश हैला। पिला माने अविलंब नकर सीधा श्लोक विषय को जिबा। आगे विषय रो नाम बुझिबा शीर्षक प्रभात अवकाश। प्रभात मान पिला माने सकाळ, अवकाश मान समय अर्थ रे। तबे ई सकाळ समय रो कथा वर्णना करा जाय छि किंतु काहार सकाळ रो समय पिला माने श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण जेतले छोट होइछन्ति से सोइकी रहिछन्ति हला। अनेक समय जे सुईकी रहिछन्ति एवं सेही समय रे किबळि बाबर तांको सांग माने तांको डाकुछन्ति कोन कहि कि डाकुछन्ति माया कोन कहि कि तांको डाकुछन्ति मने पकोउछन्ति ए सब कथा वर्णना करा जाइछि। एथरे कवि होउछन्ति बनवाली दास जे कि अष्टादश शताब्दी रे जने भक्त कवि भाबर खूब परिचित थिले। से पुरी रे वास करथुले। तांकर जन्म कथा प्रायत बनता वर्णना नाही। जगन्नाथक सेवक भाबर से बहु भजन ओ जणान रचना करछन्ति। कृष्ण को नहीं मध्य से अनेक कविता लिखिछन्ति। तांको कविता गुड़क भारी सरल और संगीतमय। आम देखा ये कविता भारी सरलमय अच्छी संगीतमय भी अच्छी। समस्त कविता को बनमाली पदावली नाम एकत्र कर छपा जाकर समस्त कविता को बनमाली पदावली करपा जा पाने सीधा सख जा कविता को कविता केमती गायन हम मुझे चेष्टा कर भल भाव उठनी सिपाही लाए थर हे वंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर मंदिरे डाकिले शुक वृक्षरे राबिले काक कुहु कुहुर टेपिक कुकुट डाकिले पर खर हे वंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर पिला माने गोटे गोटे करके बुझा भल भाव उठ माने उठवा अर्थ में कहा श्रीकृष्ण को तांको माँ कहते उठ एबे निद्रा भंग कर निद्रारु ते निद्रा त्याग कर निशी अर्थ रात्रि हैला। पिला माने निशीर आउ गोटे प्रतिशब्द कौन हम पिला माने सर्वरी हम आउ कौन हम रजनी हम हैला। दुईटा कथा मुझे मन रखे पिला माने उठ निशी पाहिला राति पाहिला एथर हे वंशीधर। वंशीधर कहार नाम श्रीकृष्ण अन्य एक नाम से जेहेतु वंशी धारण करती नाम वंशीधर हैला। तापर कौन रही मंदिरे डाकिले शुक मंदिरे सप्तम विभक्ति मंदिर डाकिले माने राब देले राबिले शब्द कले शुक शुक अर्थात शुआ। देन कौन रही वृक्षरे राबिले काक गछर थाई कुआ डाक देले। पिला मन तुम्हें देखि सकाळ हेले कि भाव में पक्षी पशु माने शब्द करती विशेष करके पक्षी माने शब्द करती हलदी बसंत कोईली कि सुंदर स्वर से सकाळ उठिले कूजन करती वृक्षरे डाकिले काक काक माने होची कुआ कुहु कुहु रटे पिक कुहु 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 करके पिक माने कोईली कोईली राबि थाए कुकुट डाकिले पर खर कुकुट माने पिला माने कुकुड़ा कुकुड़ा केमी डाकिला ना पर खर माने प्रखर कुकुड़ा प्रखर बेगर डाक मारा एम सीना भारी सरल कंठ गान कले किंतु कुकुड़ा तो सरल कंठ डाकबनि से कौन कला ना भारी जोर शब्द करके डाकिला। एवं परवर्ती जो पिला माने डाके जशोवंती भाली उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखी बास नीर हे वंशीधर। झरी रे रखी बास नीर डाके जशोवंती जशोवंती अर्थ पिला माने जशोदा माता जशोदा कथा कह जा भाली अर्थात बारंबार चिंता करी माँ चिंता करुँचे पिलाटा केतबले उठिब केतबले उठिले से खाइब खाई से कौन कर पुणी खेल को जीव नुह कि माँ मान से ही चिंता थाए। उठ मोर बनमाली ये बनमाली अर्थ अर्थात श्रीकृष्ण आउ एक नाम उठ मोर हे बनमाली उठ जिते माँ जो डाकुं से प्रियर डाकर नाम सबू अनेक डाक नाम सब अच्छी सब व्यवहार कर डाकुं श्रीमुख श्रीमुख मुख सहित श्री लगि जा श्री अर्थात सुंदर अर्थरे सुंदर मुख तांकर माँ पाई गोटे पिलार पिला जिते खराब हेले भी से सुंदर होता है पिला माने तुम्हें जानी जेकोसी माँ पाई तार पिला जिते असुंदर हेले भी दुनिया से सबुठ सुंदर होता है। मुझ गपटे कही शुणि बीरबलों कहानी श्रीमुख देवी को पखाड़ी मुख सहित श्री लगी सुंदर मुख से सौंदर्य पूर्ण मुख को मु पखाड़ी देवी अर्थात धोई देवी
କେମିତି ନା ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର, ଝରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପାତ୍ର ହେଲା, ଜଳପାତ୍ର, ସେ ପାତ୍ରରେ ବାସନୀର ଏଠି ବାସ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବରେ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ହେଲା, ବାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ହେବ, ବାସମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାସ ହେଉଛି ବାସ୍ନା, ନିର ଅର୍ଥ ଜଳ, ନିର ଅର୍ଥ ଜଳ, ମୁଁ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳ ରଖିଛି ଝରିରେ, ତୁ ଉଠିଲେ ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ, ତୋତେ ମୁଁ ପଖାଳି ଦେବି ମୁଖ ହେଲା। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏ ଥର। ପିଲାଏ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଇଏ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ କ'ଣ, ଏକ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ହେଲା। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର, ଖାଲି ଯଦି ଅମୃତ କହିବା କ'ଣ ହେବ, ଅମୃତ ହେଉଛି ବିଷର ବିପରୀତ କହିଲେ ଅମୃତ ହେବ, ଯାହାକୁ ପିଇକି ଦେବତାମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର କଦଳୀ। ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଲବଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲେ ଲହୁଣୀ, ସଙ୍ଗତ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଳି ମାନେ ଗୋଳେଇକି, ଲହୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଅଧାମ କନ୍ତାଳରେ ଗୋଟିକା କ'ଣ, ପୁଳି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଏକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ। ଖଣ୍ଡ କ'ଣରେ, ଇଏ ବି ସେମିତି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି, ଭୁଞ୍ଜାଇବି ଅର୍ଥ ଖୁଆଇବି ହେଲା, ଭୁଞ୍ଜାଇବି ଅର୍ଥ ଖୁଆଇବି। ସର ହେ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସର ବି ତୋତେ ଖୁଆଇବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏ ଥର। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ବାସୁଦେବ କାହାର ନାମରେ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ବାସୁଦେବ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବସୁଦେବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଛି ବାସୁଦେବ, ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ। ତେବେ ରାମ, ରାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା, ରାମଙ୍କର ସେ ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ରାମ ବାସୁଦେବ ଉଭୟ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ରାମ ହେ ବାସୁଦେବ ଉଠ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଗୋଗୋଷ୍ଠ ମାନେ ଗୋ ମାନେ ଗାଈ, ଗୋଷ୍ଠ ମାନେ ଗାଈ ଗୋଠ, ଉଛୁର ହେବ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁଠିକି ଯିବେ ରେ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଚରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥିରେ ନେବ, ସାଥିରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ରେ, ଦଧି ଅନ୍ନ, ଦଧିରେ ଦହି ଭାତ ନେଇକି ଯିବ, ନଦୀକୂଳ କରିବ ଆହାର, ନଦୀକୂଳରେ ଆହାର କରିବ, ଗୋରୁ ଜଗିବ, ଆସିବ କିଏ ଜଗିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତିରେ, କୌଣସି ବି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏତେବେଳେ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଥାଇକି ସେ ଗୁରୁ ଚରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅସକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏ ଥର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇକି ଯାଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ବାଛୁରୀକି ଚରାଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଚରାଇକି, ବୋଧ ହୁଏ ମାଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇକି, ଯେଉଁ ଗାଲି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ବାଛୁରୀ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି, ଥକା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଥକାରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛି, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସ ଅର୍ଥାତ୍ ଥକାରେ ଶୋଇଯାଇଅଛୁ। ତେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅସକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ଅସକତ ଅଶକ୍ତ, ଶକ୍ତ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳିଆ, ତୋର ଶରୀର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି କି, ବେଳେବେଳେ ମାଆ ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ତୁମ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁଲେ ମାଆ କୁହନ୍ତିନି କାହିଁକିରେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି କି, ତୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କି, ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କାହିଁକି ଆଜି କହୁଛୁ, ପଚାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ରେ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏ ଥର।
सिंहद्वारे गोपसूत सिंहद्वार मैंने मुख्य द्वार निकट में गोपसूत मान गोप बाक मैंने श्रीकृष्ण सांग मैंने आज जो सब अच्छा अर्जुन सुबल सुदाम अंशु एम सब होती श्रीकृष्ण सब सांग से सब आस डाकिले पिला तुम्हें मन पका तुम्हें जो पिला सुई पड़ू अगर सांग पे आसिक तुमको डाकते सेमती डाक आरंभ कले गोपसूत सूत अर्थात पुह सूता मान झी ताले पुण कौन कौन डाकते उठ अच्युत से कौन डाकुंटे सांग मैं गोटे अलग ना दे उठ अच्युत प्रश्न पढ़ी पारे पे सांग मैंने श्रीकृष्ण को कौन डाकुले अच्युत बोली मन रख केद्रा जाऊ तो केईचु सांग मैंने कहते अरे के आ उठे आम खेल कौन खेल आम ए खेल से सब खेल नाला आम तो मोबाइल धरिक बस जा फ्री फायर खेल से समय से सब नाला से समय के फिजिकाल खेल खेलुले शारीरिक खेल जहाद्वारा से शरीर सुस्थ रोला आकाशे उदय दिन कर आकाशे उदय हेले दिन कर अर्थात सूर्य सूर्य आकाशे उदय हेले केते सोइचो आ एबे उठि पड़ को माने कहते पिला श्रीकृष्ण सांग मैंने कहते श्रीकृष्ण सांग मान देखी पार्छ तो कौटी चित्र देख यही हूँ श्रीकृष्ण सांग मैंने सब है कौन दे देखे उठ प्रभु चक्रधर जीवाकू हेब उछुर बन को गमन कर बनमाली चरण किंकर हे वंशीधर उठ निशी पाइला थर उठ प्रभु चक्रधर हे चक्रधर प्रभु चक्र जे धारण करती चक्रधर मान श्रीकृष्ण एक नाम हे चक्रधर प्रभु तुम्हें उठी पड़ जीवाक हेब उछुर बेल ओड़गला आमको जीवाक हेब सब सांग मैंने मिसी गाई चोरिया जाऊ बन को गमन कर आम पूरा बन को जीवा गुरु नहीं कि बनमाली चरण किं पे ये लाइन टी पूरा संपूर्ण रूप अलग यहाँ कवि लिखिं बनमाली हूँ किए ना बनमाली दास जीक लिखिं कविता चरण मान पाद तले किंकर हे किंकर मान दास दास मान सेवक चाकर है से कहते बनमाली आपण चरण किंकर दास सदृश हला शेष को पुराणा कवि मैंने शेष को एक भणिता लिखते अर्थात जो ईश्वर नाम नहीं कि से कविता लिखि था ईश्वर सामने निजक दास बोली परिचय दिखती यहाँ महानतार परिचय पे मैंने नुहे कि से मैंने गर्व करती बर महानता देखा आम कि नुहे प्रभु तुम्हें जहाँ निर्देश करें करें केवल तुम दास चाकर सदृश तो पाने आज ये थाओ तुम मैंने बुझीपार परवर्त क्लास तुम मानक प्रश्न उत्तर कहीदेवी केमी प्रश्न उत्तर हो पार हला धन्यवाद समस्त को आज दिन की समस्त मंगलमय हो खूब खुशी रो पाठ पढ़ आउ जदि भल लगुच भिड तो लाइक निश्चय करियो अन्य मानक सेयार करदेव जदि नुआ अच्छ चैनल सब्सक्राइब करदेव जिते भी आम कि भिड अपलोड करहाती तुम शिखा जिनस अपलोड करा छड़ा अगर किसी भी अपलोड होनी तुम मैंने सब वे शिखिपार धन्यवाद समस्त को।